मैं कह रहा था कि कराची में गुले दाऊदी का अगर फूल किसी नर्सरी पे नजर आ रहा है तो वो उमर दीन के पास से गया है, और किसी के घर पे जो नजर आ रहा है वो भी फूल यहीं से ही गया है, चाहे वो उसने किसी नर्सरी से लिया या हमसे लिया है। सही। और तकरीबन 40,000-50,000 गुले दाऊदी मैंने लगाई है, 50,000 माशाल्लाह इस बार ठीक हो गया। और इतनी ही हर बार लगाते हैं या हर बार बढ़ानी पड़ती है? पिछली दफा 40 थी, इस दफा 50 है। क्या बात है। और कितनी बिक चुकी है, कितनी रह गई है? तकरीबन मेरे ख्याल 30 तो बिक चुकी है। 12 पौधे का ये गमला है आपको गेंदा का, 130 रुपए का आपको यहाँ पे मिलेगा माशाल्लाह। और अगर यही तैयार हो जाता है तो ये कितने का है? ये तैयार हो जाता तो एक दाना फिर ये 35-40 रुपए का। वाह अभी वाह यार, अभी ले जाओ घर पे जाके लगा लो, जब मौसम आएगा ये फूल ले लेगा। और अब ये वैरायटी जो भाई साहब ने निकाली हुई है ना, मुझे लगता है कि सबसे जो अच्छी वैरायटी है गुले दाऊदी की वो ये वाली। ये देख सकते हैं आप फूल, और लुक देखें आप फूलों की, जबरदस्त माशाल्लाह। ये देखें। तो यार मेरा फोकस जो था सीजन के जो फूल है ना, मौसमी फूल जो है उन पे ज्यादा फोकस था, और गुले दाऊदी पे, ये दो चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस था। तो आपने अगर पनीरियां खरीदनी है, छोटे पौधे खरीदने हैं, तो यहाँ पर आ जाएं और अपने घर को खूबसूरत बना लें, बजाय इसके कि बाद में आप बाहर से कोई महंगा पौधा खरीदें। मैं नहीं चाह रहा कि आप महंगा पौधा खरीदें। ये बंदा जो उमर दीन है, ये आप पनीरियां आप देख सकते हैं, ये किस तरह इस बंदे ने पनीरियां लगाई हुई हैं, बहुत सारी बिक चुकी हैं भाई, अभी भी पड़ी हैं। अगर आप आ जाते हैं यहाँ पे तो आप मायूस नहीं होंगे, अपने घर को आपने खूबसूरत खुद बनाना है तो यहाँ पे आ जाएं, आप ये पौधा खरीद कर ले जाएं और बाहर से महंगा पौधा मत खरीदें। ये देखें, ये पूरा जो है यहाँ पे गुले दाऊदी भरा हुआ है। ये देखें, ये यहाँ से बिक चुके हैं, ये बिक चुके हैं ना? हाँ जी, ये सब बिक चुका है। ये क्या तोड़ा हुआ है या टूट गया? ये टूट गया, जब निकाला है तो ये टूट गया। ओए होए होए, ये फूल जाया हो गया, लेकिन ये देखें ये कितना खूबसूरत लग रहा है। और भाई कह रहे हैं कि गमला निकाल रहे थे उस वक्त ये पौधा जो है पूरा टूट गया, तो फूलों का वजन जो है ये बर्दाश्त नहीं कर पाया ये वाला पौधा। तो अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल्ला बिलाउद आबिद के साथ। जी तो नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरखैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। मैंने आपको बोला था ना कि मैं आपको फूलों की बहुत बड़ी मंडी और गुले दाऊदी की सबसे बड़ी मंडी जो है कराची की, वहाँ पे लेके आ जाऊँगा। और गुले दाऊदी स्पेशलिस्ट हैं ये लोग, और उमर दीन के नाम से इनकी नर्सरी है, बहुत बड़ा नाम है कराची में, और यहाँ पर मौजूद हूँ। और आज मैं आपको बहुत ही अच्छे अच्छे फूल दिखाने वाला हूँ, जिनमें सबसे ज़्यादा जो फोकस है मेरा वो ये फूल रहेगा गुले दाऊदी, क्योंकि ये स्पेशलिस्ट ही गुले दाऊदी के हैं। तो इसके अलावा इनके पास और कौन कौन से फूल हैं ये भी आपके साथ शेयर करूँगा, और क्या क्या ये प्राइस चल रही है ये भी आपके साथ इंशाल्लाह मैं ज़रूर शेयर करूँगा। सोसाइटी का गेट है, कोशिश करें NIC ले आएँ, और सिक्योरिटी रीजंस की वजह से जो है यहाँ पे शनाख्ती कार्ड गेट पे पूछा जाएगा। आपको अगर कोई भी पौधा ख़रीदना है तो यहाँ पे आना है, तो NIC अगर ले आएंगे तो ये ज़्यादा अच्छा है। और NIC ले के आएँ, वहाँ पर अपनी शनाख्त करवाएँ और इस जगह पर आ जाएँ। ये बिल्कुल गेट आप एंटर करेंगे सोसाइटी का, तो गेट के साथ ही ये नर्सरी है, उमर दीन नर्सरी। तो यहाँ पे आ जाएं, आपको अपनी पसंद के पौधे हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगे, और बहुत ही कम कीमत में यहाँ पे पौधे मिलेंगे। तो जनाब उमर दीन नर्सरी कराची में बहुत बड़ा नाम, तो जो ओनर हैं उनसे पहले मिलते हैं, उसके बाद जो है विजिट आपको करवाता हूँ मैं। गुले दाऊदी स्पेशलिस्ट हैं ये, इनके पास और भी पौधे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन स्पेशलिस्ट जो हैं ये गुले दाऊदी के हैं। पहले मैं यहाँ पर आया था उस वक्त ये सीज़न नहीं था गुले दाऊदी का, ये उसको जो है ना अभी उसकी पनीरी लगा रहे थे, जिसको आप बोलते हैं कि छोटे गमलों में जिस तरह ये उस वक्त बीज लगाते हैं या कलम लगाते हैं, ये किस तरह लगाते हैं ये भी आपके साथ शेयर करता हूँ। उमर भाई से सबसे पहले मिलते हैं, जो इसके ओनर हैं और यहाँ पर होते हैं, और पूरे कराची में सिर्फ और सिर्फ गुले दाऊदी की जो सप्लाई है ये नर्सरी देती है, और यहाँ से सब लोग खरीद के लेके जाते हैं और आपको बेचते हैं। तो इसकी लोकेशन जो है ये मैं गूगल मैप में आपको डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, अगर आप खुद विजिट करना चाहें तो यहाँ पर आ सकते हैं। आपको मिलवाते हैं उमर साहब से, सबसे पहले इनसे जानते हैं कब से हैं यहाँ पे और किस किस तरह यहाँ पे, इन्होंने लोकेशन इनकी यही है शुरू से, इसके अलावा इनका कोई और फार्म भी है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करनी है। वीडियो में आपने साथ रहना है, वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उमर साहब कैसे हैं? अल्लाह का फजल है जी। अच्छा उमर साहब ये बताएं, कराची में कब से आप नर्सरी जो है चला रहे हैं? मैंने 1983 में नर्सरी बनाई थी। ओए होए होए, यानी कि मैं कहता हूँ कि सबसे पहले शुरुआत आपने की थी क्या? नहीं नहीं, मतलब 1983 पहले मैं ठेला चलाता था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठेले पे बेचता था, फिर 1983 में नर्सरी। और अल्लाह पाक ने करम कर दिया और आप यहाँ पे आ गए, और आज माशाल्लाह से 5 नर्सरी है मेरी। क्या बात है। और कहाँ कहाँ पे है? एक दुमा गोट पे फार्म है। सही। मंगो पीर पे फार्म है। सही।
चार नंबर चेक पोस्ट जो है कैंट में वहाँ भी है। सही, ये स्टेट बैंक सोसाइटी है, इधर है ये स्टेट बैंक सोसाइटी, ये इसकी लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है ये वाली? एग्जैक्ट लोकेशन ये है कि ये सामने मैमार बोर्ड है सुप्राइवे जी, और ये साथ ही जो है ये सोहराबगोट टाउन है, सोहराबगोट टाउन है, और इसके साथ मैंने देखा है पाकिस्तान गोदाम है। हाँ, पाकिस्तान गोदाम जहाँ पे प्याज वगैरह ये स्टोर करते हैं, आलू प्याज का काम, आलू प्याज का स्टोर है ये। हाँ जी, ठीक हो गया। और उसकी बैक साइड पे है मेरे घर में, ठीक हो गया। और यहाँ पे आप मौजूद होते हैं या बाकी नर्सरियों पे भी जाते हैं या यहीं पे मिलते बस हैं? मैं चक्कर मार लेता हूँ, बाकी यहीं रहता हूँ तकरीबन। सही, माशाल्लाह जी, उमर साहब यहीं पे आपको मिलेंगे कभी भी आप आते हैं। तो सर, आपने गुले दाउदी से शुरू किया था या गुले दाउदी में बाद में आप आ गए? ये स्पेशलिस्ट हैं आप, इसके क्या चीज है ये? 5-6 साल हो गए इसको, गुले दाउदी को। अच्छा, उससे पहले हम पनीरियां लगाते थे, सीजनल फ्लावर की पनीरियां हमारे पास वाफर होती हैं, बल्कि होलसेल में असल हमें ज्यादातर हम जो है ये काम करते हैं इसका, सीजनल पनीरियां जो होती हैं। ठीक है, किस किस चीज की पनीरी लगाते हैं? मिसाल के तौर पर सर्दियों में पिटोनिया, गेंदा ये जो है, और जाफरी और अंट्रेनम फ्लॉक्स, जो भी मतलब सर्दी की पनीरी है वो इंशाल्लाह मिलती है। इम्पोर्टेड और लोकल दोनों की होती है? दोनों, इम्पोर्टेड और लोकल। और अभी जो आपने चंद एक नाम बताए ये पनीरी के, तो इसमें इम्पोर्टेड कौन सा था, लोकल कौन सा है? पिटोनिया, गेंदा और फ्लॉक्स भी इम्पोर्टेड है हमारे पास, अंट्रेनम भी है इम्पोर्टेड, देसी भी है, साल्विया मिल जाता है, इम्पेशन मिलती, मतलब जो भी है दोनों चीजें ही है, इम्पोर्टेड भी और देसी भी दोनों। ठीक, अंट्रेनम देसी भी लेनी है ले ले आप। सही सही, यानी कि जो एक फूल है गेंदा है, इसमें इम्पोर्टेड भी मिल सकता है, लोकल भी मिलेगा। लोकल गुलदाउदी है, इसमें बाहर वाला भी और लोकल जो है ये दोनों मिलेगा। ठीक हो गया, माशाल्लाह बड़ी बात है। और उमर साहब ये बताएं कि आप अभी इस टाइम पे जो पीक सीजन चल रहा है वो कौन से फूल का है? इस वक्त तो अभी तो ये गुलदाउदी चल रही है। अच्छा, अब गेंदा भी फूलों पे है इस वक्त, पिटोनिया भी फूलों पे है इस वक्त। ठीक है, तो सारी चीजें तकरीबन फूलों पे आ चुकी हैं, और एक महीने बाद तो तकरीबन काफी चीजें आ जाएंगी। सही सही, और भी आ जाएंगे। हाँ, लेकिन इस टाइम फुल टाइम जो है ये गुलदाउदी। ठीक हो गया, और आपको बहुत सी जगहों पे अजीब अजीब प्राइस मिलेंगे। आज उमर दीन के प्राइस आपके साथ शेयर करते हैं। जो बंदा पूरे कराची में गुलदाउदी बांट रहा है उसके क्या प्राइस है ये भी आप जाने, और होलसेल के भी और रिटेलर के भी, ये दोनों प्राइस मैंने आपके साथ शेयर करने हैं। तो सर, हमारी ऑडियंस को बताएं आपके पास क्या प्राइस है? 140 भी है और 150 भी है। सही, ये 10 का फर्क किस वजह से है? 10 का इसलिए है कि एक बंदा आ रहा है वो 200 ले रहा है, 500 ले रहा है या 1000 ले रहा है, वो 140। अच्छा, ये सिर्फ उसके लिए जो एक खरीदेगा उसको 150 में? 150 रुपए। ठीक है, 150 में मिल गया। अच्छा, वो पौधा कितने इंच के गमले में लगा हुआ होगा और उस पर फूल होंगे या सिर्फ कलियां होंगी? फूल वाले भी हैं, कलियों वाले, वो पसंद तो है ना ग्राहक के ऊपर। अच्छा, कि वो क्या पसंद करता है। ठीक है, मेरा कहना है कि इस एक पौधा है उस पे फूल आ चुके हैं, वो महंगा मिलेगा कि एक पे ऊपर सिर्फ कलियां हैं अभी? एक ही रेट है दोनों का, एक ही है। वो पसंद है ग्राहक की कि वो फूल वाला चाहता है या कि वो। क्या बात है। और सर, आपके पास जो गुलदाउदी अभी चल रहा है इसमें कलर स्कीम रंग कितने हैं इसके गुलदाउदी? 15-16 रंग तो है। ठीक हो गया भाई, 150 रुपए में गुलदाउदी उठा लो, एक गमला भी खरीद सकते हो यहाँ पे आके। अच्छा सर, इसके अलावा फोन नंबर कोई एक शेयर कर दे ताकि हमारी ऑडियंस अगर आना चाहे तो फोन कर ले, वो अगर किसी को लोकेशन नहीं समझ आ रही तो वो आपके से आपसे राबता कर ले या घर पे मंगवा ले बैठे। 0300 पूरा। ठीक है, 3564171। ठीक हो गया, और ये व्हाट्सएप पे भी है? व्हाट्सएप पे नहीं है, मेरे पास तो सादा मोबाइल। क्या बात है, उमर साहब सादा काम कर रहे हैं भाई, और माशाल्लाह से सादा बंदे हैं, सिंपल हैं। आपको उमर दीन का नाम जो मैंने बताया ये कुछ छोटा नाम नहीं है नर्सरी का, ये बहुत बड़ा नाम है, और बड़े बड़े फार्म, नर्सरी फार्म जो है ये उनसे पहले नाम जो आता है वो उमर दीन का है। तो इसलिए मैं आपके साथ ये चीजें शेयर कर रहा हूँ। बंदा सादा है बिल्कुल, लेकिन काम बहुत अच्छा करता है, ईमानदार है, दयानतदार आदमी है, जो चीज कह रहे हैं वैसी चीज आपको दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कहेंगे कुछ और देंगे, ये चीज नहीं होगी। आपका घर इधर है और इसी सोसाइटी में? इसी सोसाइटी। कौन सी सोसाइटी है ये? स्टेट बैंक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। क्या बात है, और यहाँ पे अगर आप आएंगे स्टेट बैंक कोऑपरेटिव सोसाइटी, उमर साहब का घर भी यहाँ पे है और घर के साथ ही नर्सरी है, 24 घंटे इस नर्सरी पे उमर साहब आपको अवेलेबल होंगे, और कभी भी हमारी ऑडियंस में से फोन करता है आपको मिल सकते हैं इंशाल्लाह। चलो जी, 24 घंटे आप कहीं भी टाइम निकाल के यहाँ पे आ सकते हैं। मेरे ये रिक्वेस्ट होगी संडे को
सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक इस दौरान विजिट करें। और नर्सरी में विजिट करने का जो टाइम है वो सबसे बेस्ट टाइम जो होता है ये मॉर्निंग का है। मॉर्निंग के बाद अगर आपको पौधे की सही कंडीशन देखनी है वो टाइम है असर का टाइम। असर के टाइम पे पौधा जो है अपना आप दिखा चुका होता है कि मैं सेहतमंद हूं या मैं बीमार हो चुका हूं। ये चीज अगर आपको इस तरह की चीज जो जज करनी है असर के टाइम आए। तो अगर आप मॉर्निंग वॉक के पार्क में जाने के शौकीन हैं तो आप सुबह 6 बजे 7 बजे के बाद यहाँ पे आ जाएं, तो विजिट भी करें और अपने घर के लिए अच्छे पौधे यहाँ से खरीद कर ले जाएं। तो बहुत शुक्रिया सर, जजाकल्ला। और अभी हमें कोई एक बंदा दे जो हमें विजिट करवा दे नर्सरी का एक बार। ठीक है, तो वीडियो में आपने साथ रहना है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अपने घर को खूबसूरत भी बनाएं और इस माहौल को स्मोक से भी आपने बचाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया वीडियो बना के, उमर साहब अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं नर्सरी फार्म बना के, तो आपने अपना फर्ज पूरा लाजमी करना है इस वीडियो को शेयर करके, और कुछ ना कुछ प्लांटेशन अपने घर पे आप लाजमी करें ताकि इस तरह की माहौलियाती जितनी भी आलूदगी है इससे बचा जा सके। तो भाई हमारे साथ हैं, उमर साहब ने भेजा है इनको, इनको नर्सरी की जो है इन्फॉर्मेशन ज्यादा है क्योंकि ये यहाँ पे काम करते हैं। अच्छा सर, ये क्रोटन क्या रेट चल रहा है? ये क्रोटन 1000 रुपए का, और कोई भी 1000 का? ये बड़े वाले, कोई बड़े वाले कोई भी उठाओ 1000 का जी। और ये वाला? ये 400 रुपए, ये 400 रुपए के, कोई सब इनमें छोटा। सही सही, ये 400 के हैं, ठीक हो गया। और इसके अलावा अभी उमर साहब ने जैसा बताया जी कि ये जो गुलदाउदी है अभी 20,000 पौधा रह गया है आपके जी, पास जी। तो 30,000 बिक चुका है जी। अब जो वैरायटी 20,000 पौधा बचा है ये नॉर्मल है, अच्छा है या मिक्स पड़ा है? अभी भी मिक्स पड़ा हुआ। और ये गेंदा है? हाँ ये गेंदा है। और गेंदा अगर अभी कोई खरीदता तो ये वाला गमला कितने का है? ये वाला गमला 30 रुपए। और तैयार होने के बाद ये कितने का है? तैयार होने के बाद ये 40-35-40। अभी ये तैयार नहीं है तो, लेकिन अगर जब तैयार हो जाएगा तो ये 30-40 रुपए का, 50 रुपए का हो जाएगा। और ये क्या चीज है? ये पिटोनिया है। ये पिटोनिया है, पिटोनिया कितने का दे रहे हैं आप? ये भी एक ही है, गेंदे का। ये देखें जी, ये जो है पूरी लाइन पिटोनिया की। पिटोनिया इसके अलावा और कहीं लगाया? अभी लगाएंगे, अभी ये गमले भर तैयार कर, ये गमले तैयार पिटोनिया के हो रहे हैं। हाँ ये इंशाल्लाह शाम को लग जाएगा। ठीक है ठीक है, अभी पिटोनिया। सही सही, ये भी पिटोनिया लगा हुआ है, ये गुलदाउदी है। ये देखें आप, इस फार्म पे आपको जो है गुलदाउदी की सबसे ज्यादा वैरायटी मिलेगी। ये देखें, ये गुलदाउदी है जी जी सब। आप बताएं ये जो पौधे हैं ये कितने कितने का दे रहे हैं आप? 150 रुपए का दे रहे। ये 150 रुपए का कोई भी उठा ले, कोई सा भी उठा, चाहे वहां से उठा लो। हाँ। ये उठा लो, ये बड़े फूल उठा लो, बड़ा उठा लो, छोटा उठा लो, कोई सा भी उठा लो, 150 रुपए। 150 रुपए का यार ये, इसमें इस फूल में थोड़ा सा ये फूल भी छोटा है और इसमें अंदर जो है पीला है, बाहर जो है ये मैरून है जी जी। सही, ये होते हैं ड्वार्फ कद वाले, ये सारे इम्पोर्टेड कलर आए थे हमारे। अच्छा, ये सब बाहर से कलर आए तो उसके बाद हमने ये तैयार किया। अभी कितने कलर पड़े हैं आपके पास? अभी भी तकरीबन हमारे पास 8 से 10 कलर होंगे। 8 से 10 कलर, वैसे 15 से 20 लगाए थे मेरे ख्याल में। जी 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 सही सही। तो कुछ कलर ऐसे होते हैं वो जब लगाते हैं तो कुछ मर जाते हैं, कुछ बच जाते हैं। ठीक हो गया ठीक हो गया। ये तो, देखें जी, ये जी। आप देखें फूल कैसा खूबसूरत है। और इसके अलावा बहुत सारे जो है फूल हैं भाई यहाँ पे। ये गुलदाउदी यहाँ पे एंड हो गया जी जी, यहाँ पे है उस साइड पे, पतली साइड। सही पे। ये गाड़ी लोड हो चुकी है आगे गुलदाउदी की, जब मैं आया गाड़ी लोड हो रही थी, तो ये गाड़ी वाले ने जो ये बेचने के लिए लेके जा रहा है या किसी के घर पे जा रहे हैं? ये अपनी नर्सरी के लिए लेके, नर्सरी के लिए लेके जा रहे हैं भाई। अच्छा लतीफ भाई, आप पनीरियां दिखाना चाह रहे थे मुझे जी जी, जी तो देखें, ये गेंदा है, ये देखें जी, ये गेंदा की पनीरी F1 गेंदा है। ये कौन सा F1? जो बाहर का इम्पोर्टेड गेंदा, इम्पोर्टेड। और इसमें कितने कलर आते हैं? इसमें 3 कलर है इस पनीरी में, अभी तीनों कलर मौजूद है जी जी, गोल्डन है, येलो है। ठीक है ठीक हो गया। ये खुली जगह में क्यारी में लगा देंगे, 15 से 20 दिन के बाद ये फूल ले लेगा। फूल ले ले। क्या बात है माशाल्लाह जी। ये गेंदा इम्पोर्टेड गेंदा 3 कलर में। अच्छा ये हो गया, ये पिटोनिया पड़ा हुआ है, ये पिटोनिया है जी। और पिटोनिया के पौधे जो हैं इसमें कितने है एक गमले में? ये तो हम ये लगा रहे हैं 12 दाने। ये 12 दाने लगा रहे हैं जी जी। ठीक हो गया। और ये 12 दाने वाला गमला कितने का है? 100 रुपए का। ये 100 रुपए का है जी। ठीक हो गया। और क्या चीज है? सननेरिया। ये सननेरिया हो गया। और ये गमला कितने का है? ये गमला 70 रुपए का। 70 रुपए का ये गमला है। इसमें पौधे कितने हैं? इसमें ये मतलब 15 से 20 पौधे हैं। 15 से 20 पौधे हैं इसमें, क्या बात है। लाक्सबर। लाक्सबर भाई मुझे नाम नहीं पता, मैं भाई से दोबारा इसलिए रिपीट करवाता हूँ कि अगर आपको समझ नहीं आए तो आपको भी आ जाए। तो इस पौधे का जो प्राइस है क्या है? और 70 रुपए का ये। ये और ये जो जिसमें पत्तों में कलर है ये कोलियस है। अच्छा ये कितने का है? ये कोलियस है, ये कौन कोलियस है? बड़े पत्ते वाला। ठीक है, ये दे रहे हम 200 रुपए का। और इसमें इस तरह पत्ते ही कलर वाले रहते हैं या फूल भी आते हैं? फूल भी आता है लेकिन फूल बड़ा होके आता है, फिलहाल कलर पे ये ज्यादा बिकता है। ठीक हो गया ठीक हो गया। और इसके अलावा? और ये इधर है सबसे ज्यादा बिकने वाले पौधे?
सबसे ज्यादा इस टाइम पिटोनिया, ये गेंदा, ये चीजें एंट्रीनम हो गई, ये देखें। सही सही। और ये बताते जाएं, ये पहले बताते जाएं, ये क्या चीज है? ये स्टॉक है। अच्छा, कितने का ये स्टॉक है? 150 रुपए का। ये आपको 150 रुपए में यहाँ पे मिलेगा। कितने पौधे हैं इसमें? 12 पौधे। 12 पौधे हैं इसमें भी। ये देखें, ये कोलियस है। अच्छा, ये वही जो छोटे वाले पौधे थे, जो बड़े पत्ते वाले पौधे। अच्छा अच्छा, वहाँ पे दिखाए थे। जी जी, ये उसके बड़े पत्ते वाले आ गए। और ये गमला कितने का आपको? ये गमला दे रहे हैं 50 रुपए का। 50 रुपए में आपको ये कोलियस का पौधा है, आपको सिर्फ 50 रुपए में मिलेगा। ज्यादा खूबसूरती जो है इसकी पत्तों की है, फूल की नहीं होती। फूल की खूबसूरती नहीं है, पत्तों की है। पत्तों की। और माशाल्लाह से आप देख भी सकते हैं कि कैसे खूबसूरत लग रहे हैं। और जिस तरह इम्पोर्टेड पौधों में वेरिएशन होती है पत्तों में, इस तरह इसमें वेरिएशन है। जी जी, ये है इम्पोर्टेड। ये इम्पोर्टेड है? इम्पोर्टेड, ठीक है। ये है एंट्रीनम पड़ी हुई है, करीबन 6-7 कलर है। अच्छा सर, ये कितने का गमला दे रहे हैं? ये 100 रुपए का। ये 100 रुपए का मिलेगा। और इसमें भी 12-13 पौधे। जी जी। अच्छा सर, ये बताएं, इस पे जब फूल आ जाते हैं तो तब भी ये आपके पास रहते हैं या इसी तरह पनीरियां ही लोग उठा के लेके? हमारे पास से पनीरियां ले जाते हैं, जब जो बच जाती है वो फिर हम अपने इस्तेमाल के लिए सिंगल सिंगल से। आपको पनीरियां, छोटे पौधे, सस्ते सस्ते पौधे मिलेंगे यहाँ पे। घर पे जाके लगा लें, बजाय इसके कि महंगा पौधा बाहर से खरीदें, खुद गार्डनिंग करें, ये शौक अपने अंदर पैदा करें गार्डनिंग का, तो ये अच्छा शौक है और इससे आपके घर में खूबसूरती भी आएगी। तो इसके अलावा और कौन सा पौधा है? इसके अलावा ये है साल्विया। ये क्या चीज़ है? ये साल्विया। साल्वी, ये इम्पोर्टेड है ये भी। और क्या रेट है इसका? ये 150 रुपए का। 150 रुपए का, ठीक है। 12 दाने होते हैं। 12 अभी भी हमारी ऑडियंस में से कोई आता है उसको खाली नहीं भेजना, पौधा दे के भेजिएगा। बहुत शुक्रिया उमर साहब के आप पास आएंगे, आप यहाँ से इस तरह के प्राइस आपको मिलेंगे कि आप यहाँ पौधा खरीदे बिना आप यहाँ से नहीं जाओगे। वीडियो में ये जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है ये उमरदीन नर्सरी का नंबर है, और कॉल करके आपने रابطہ करके इनसे मालूमात ले लेनी है, कॉल पे मालूमात मिल सकती है। उमरदीन साहब सादा बंदे हैं, व्हाट्सअप इनके पास नहीं है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी करना है आपने। और इसके अलावा इनके पास इनडोर की बहुत ज़्यादा वैरायटी है, लेकिन फोकस मेरा जो है ये इनडोर नहीं है सिर्फ, लेकिन आप अगर आते हैं तो इनडोर आउटडोर दोनों आपको मिलेंगे यहाँ पर। लेकिन मेरा फोकस जो है ये मौसमी फूल थे, तो मौसमी फूलों की वैरायटी जो है ये मैंने आपके साथ शेयर कर दी है जितना मुमकिन हो सका। कुछ रहता है तो उसके लिए माजरत, लेकिन अगर कुछ रह गया तो कमेंट सेक्शन में आपने मुझे वो भी बता देना है, मैं वो भी आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूंगा। और अगर यहाँ पे आपको आना है तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लोकेशन भी मौजूद है, और आप यहाँ पे आएँ और इनसे मिलें और इनसे ख़रीदारी कर ले जाएँ और अपने घर को खूबसूरत बनाएँ, और अपने रहने की जगह जो है इसको खूबसूरत बनाना है तो उमरदीन के पास आ जाएँ। पनीरियाँ भी मिल जाएंगी आपको, तैयार पौधे भी मिलेंगे, हर तरह की वैरायटी मिलेगी। और सबसे बड़ा जो होलसेलर है पौधों का कराची में वो ये उमरदीन है। उमरदीन से बड़ा होलसेलर कोई नहीं है। ये देख सकते हैं आप पनीरियाँ, किस तरह ये पनीरियाँ लगाई हैं, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना बड़ा होलसेलर है। इस तरह की आपको जो प्लेटफॉर्म है पनीरी लगने वाले, ये आपको बहुत ही नज़र आएंगे। यहाँ पे शेड के अंदर भी है, शेड के बाहर भी है, ये गुलेदौदी है, वहाँ पर भी गुलेदौदी है, ये देखें आप, ये भी गुलेदौदी है। और माशाल्लाह से इनके पास सीजनल फूल जितने भी हैं ये सारे अवेलेबल हैं। अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं तो आपको होलसेल प्राइस में अगर एक पौधा चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, तो अगर आपको 1000 पौधा चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। तो इन्होंने 50,000 पौधा जो है गुलदौदी का इस बार लगाया था, जिसमें से अभी भी 20,000 जो है इनके पास बाकी है। 30,000 तक पौधा जो है इनसे सेल हो चुका है इनके पास से। तो इसके अलावा और कुछ नहीं मैं कहना चाह रहा, मैंने एक्सप्लोर करना था सबसे बड़ा होलसेलर गुलदौदी का, और बाकी जो सीजनल फूल हैं मौसम के वो बंदा ये उमरदीन है, और इसके अलावा और कुछ नहीं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी करना है। अब्दुल्ला व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लें, मुझे दें इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।